जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। तेरा है काम के वट का किनारे नाव ला देना, तेरा कर मुझसे पापी को गुरु उस पार कर देना, चढ़ा कर मुझसे पापी को गुरु उस पार कर देना। कुछ याद निज घर की पता उसका बता देना, न थी कुछ याद निज घर की पता उसका बता देना। कुछ याद इसका भी आयस अपना मिटा देना, रहे कुछ याद इसका भी आयस अपना मिटा देना। जो थक कर Yeah.
रहदास मिल जाए, कभी बिनती सुन लेना। अगर यह दास मिल जाए, कभी बिनती सुन लेना। तेरा है काम के वट का किनारे नाव ला देना। तेरा है काम के वट का किनारे नाव ला देना। चढ़ा कर मुझसे जो माता पिता कहा को भी गुरु बताया गया, दाई को भी गुरु बताया गया, नाम रखने वाले को भी गुरु बताया गया, विद्या पढ़ाने वाले का खा गाघा ABCD पढ़ाने वाले को भी गुरु बताया गया, जो ये लकड़ी का काम, लोहे का काम, सोना चांदी का काम ये जो सिखाते हैं, इनको भी गुरु बताया गया, इनको भी गुरु बताया गया। लेकिन ये जो ज्ञान है, ये जो विद्या है, वो इसी शरीर के साथ की विद्या है। ये विद्या आप समझो शरीर छूटने के बाद काम नहीं है। कोई भी MA पढ़ ले, कोई भी PhD पढ़ ले, कोई भी BLIT कर ले, कोई भी संस्कृत श्लोक पढ़ ले, लेकिन ये विद्या काम नहीं आती। एक बार जा रहे थे लोग, कहाँ जा रहे थे, नदी के उस पार जाते थे, नदी के इस पार घाट था लोगों का, नदी पार करके जाते थे काम धंधे के लिए अपने अपने। तो एक मल्लाह के नाव पर गए, बैठ गए। कौन बैठ गए? दफ्तर के एक साहब बैठ गए, टाई टूई लगा करके, नौकरी करते थे दफ्तर, नदी के उस पार था, गए बैठ गए। एक पंडित जी गए बैठ गए उसी, संयोग के बाद एक मुल्ला जी बैठ गए। अब ये लोग जब बैठे विद्वान लोग, तो कहते हैं ना कि जब यहाँ चार विद्वान बैठ जाते हैं, तब जैसे ये पक्षी चोंच लड़ाते हैं, ऐसे ही वो जवानी चोंच लड़ाते हैं, आपस में वाद विवाद करते हैं, अपनी अपनी योग्यता दिखाते हैं, विद्वता दिखाते हैं। तो ये विद्वता तो यहाँ की है, लेकिन यह विद्वता और यह विद्या जब खत्म हो जाती है, तब आध्यात्मिक विद्या की शुरुआत होती है। इसीलिए कहा गया पढ़ना लिखना चातुरी, यह तो काम सहज, काम दलम मन बस करण गगन चढ़न मुश्किल। वो तो बहुत कठिन लगता है इन लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को, और ये अपने विद्वता के आगे इस चीज को अपनाना नहीं चाहते हैं, लेना नहीं चाहते हैं, समझना नहीं चाहते हैं। तो बैठ गए वहां, अब नाव चल पड़ी, और भी गांव के लोग थे उसमें बैठे हुए थे, नाव चल पड़ी। तो जब नाव चल पड़ी, तब पंडित जी ने कहा, अरे मल्लाह तो कुछ पढ़ा लिखा है? कुछ नहीं पढ़े लिखे हम तो, यही हमारे पिताजी ने सिखा दिया, नाव चलाना सिखा दिया, हम नाव चलाते हैं, और कुछ मिल जाता है आप लोगों से, बच्चों की परवरिश करते हैं। तो कहा अच्छा, साहब ने कहा तूने कुछ नहीं पढ़ा? कहा बता रहा हूँ साहब, कुछ नहीं पढ़ा। अरे तूने अंग्रेजी नहीं पढ़ा? अंग्रेजी कहाँ पढ़े साहब? अगर अंग्रेजी नहीं पढ़ा तो क्या कर सकता है, सब जगह अंग्रेजी,
सब जगह देखो अंग्रेजी में ही लिखा हुआ रहता है, अंग्रेजी में लिखा हुआ रहता है आजकल, और लोग समझ पाते हैं कि किन किन चीजों का यह बना हुआ है। तो बेईमान लोग निशान तो बना देते हैं हरा हरा, लेकिन उसमें कीड़े मकोड़े और ये जानवरों के मांस और खून और समझो चर्बी का अंश डाल देते हैं, और वो चीजें नुकसान कर जाती हैं, साधना में बाधा डाल देती हैं। तब उसने कहा तूने अंग्रेजी नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा, सब जगह अंग्रेजी चलती है, अब तो रिक्शा चलाने वाला, अब तो सब्जी बेचने वाला, अब तो चाट चपात खिलाने वाला भी अंग्रेजी ही बोलता है, तो कुछ नहीं जान पाया, नहीं पढ़ पाया है, जिंदगी बेकार गई थी। मुल्ला जी ने कहा कि तू उर्दू भी नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा तो फिर तू कैसे अन्य भगवान को खुदा को तू याद कर पाएगा, आयतों को समझो कि सब उसमें लिखी हुई हैं, मजहबी किताबें अन्य उसी उर्दू में लिखा है, फारसी में लिखा, कुछ नहीं। पंडित जी भी दोहराने लग गए, अरे तो तू पूजा पाठ क्या करता होगा, तू तो श्लोक तो सब संस्कृत में लिखे। नाव चल पड़ी, गांव वाले सुनते रहे, थोड़ी दूर जब नाव गई तो भावार में फंस गई, हवा तेज जब होती है तब समझो कि जल्दी उसमें कुछ रुकता नहीं, और जब हवा घूम जाती है तो वही भंवर बन जाता है, तो उस बीच में जो पड़ता है उसको ऐसे नीचे लेकर चला जाता है पानी, जैसे बाउंडर होता है जिसको कहते हो चक्रवात, हवा ऊपर जब धरती पे घूमती है तो धरती की चीज जो पड़ जाती है उसको उठा के ऊपर ले जाता है, ऐसे ही पानी में जो हवा ऐसे घूमती है नीचे वो नीचे ले जाती है। तो भंवर में फंस गई नाव, जब भंवर में नाव फंसे तब मल्लाह ने कहा ये बताओ कोई तैरना जानता है, तो गांव वालों ने कहा हम तैरना जानते हैं, तो कहे भाई तैरने वाला ही अब बच पाएगा, लेकिन एक बार इन विद्वानों से भी हम पूछ लेते हैं, ये अपने अंग्रेजी का जोर लगा के नाव को बचा ले। तो कहा कि साहब अब जोर लगाओ अंग्रेजी का अपने नाव बचाने में, बोले इसमें हमारा जोर नहीं लगेगा। पंडित जी से कहा श्लोक पढ़ो, कहे हमारे श्लोक का भी अब जोर नहीं लगेगा। तो मल्ला जी से कहा कुरान की आयतें पढ़ो आप कि जिससे नाव बच जाए, बोले भाई इसमें उसका भी जोर नहीं लगेगा। तब मल्लाह ने कहा कि अब मेरी बात आप मानो, जो इस जीवन के खेवनहार होते हैं इस भव सागर के, जिनको सतगुरु कहा जाता है उनकी बात देखो प्रेमियों, मानने से ही समझो भव सागर पार होता है, जैसे उसने कहा मल्लाह ने। भव सागर पार वाले कौन होते हैं, सतगुरु ही होते हैं, हमारे गुरु ही होते हैं, जो वक्त के गुरु होते हैं वही भव सागर पार करते हैं। तो मल्लाह ने कहा देखो अब तुम सब लोग कूदो जो लोग जानते हो तैरना, और तैर करके पार हो जाओ, तो कोई भी अंग्रेजी कोई भी हिंदी कोई भी विद्या ये ऊपर काम आने वाली नहीं होती है, तो ये जो गुरु होते हैं ये विद्या गुरु होते हैं, ज्ञान जो कराते हैं, दुनिया की चीजें जो शरीर को चलाने में काम आवे, कमाने में जो काम आवे, जो मान प्रतिष्ठा इज्जत बढ़ाने में काम आवे, ये सब जो है विद्या गुरु, विद्या यानी भौतिक विद्या में आता है, इसके ये गुरु अलग होते हैं। और एक होते हैं आध्यात्मिक गुरु, आध्यात्मिक गुरु कौन होते हैं कि जहाँ का जीव तहाँ पहुँचा हुआ है, शब्द दे दी तो सतवां गुरु सत शब्द लखावा, और जहाँ का जीव तहाँ पहुँचा हुआ शब्द दे दी गुरु, क्योंकि शब्द से ही ये सारा संसार बना है, शब्द से ही ये जीवात्मा उतारी गई है, और शब्द से ही ये चल रही है जिसमें प्रकाश है रोशनी है, तो जिसमें सुख है आनंद है, जिसमें शक्ति है जिसमें अमृत है, शब्द भेदी गुरु जब मिलते हैं तो जहाँ का जीव तहाँ पहुँचावा, तहाँ ये जीवात्मा पहुँचती है, तो हमेशा इस धरती पर रहते हैं। इसीलिए कहा गया कि जब जब संत जगत में आवे ढूंढ भाल उनके घर जाओ, जाय करो दर्शन और सेवा, पड़े रहो सदाचरण, अगर पार होना चाहते हो तो उनको खोजो जब जब आवे। जब जब आवे का मतलब क्या है,
जब वो ये काम जिसका जो उनका काम है करने लग जाएं, दिखाने लग जाएं, दिखाई पड़ने लग जाएं, आपको बताने लोग लग जाएं, तब उनके पास जाओ और उनको देखो और उनसे अर्ज करो, लो वो चीज कि जिससे पार होना है। तो हमेशा इस धरती पर रहते हैं, जैसे कुछ समय पहले ये हमारे गुरु महाराज, ये जिनकी तस्वीर लगी हुई है, ये गुरु महाराज थे, मनुष्य शरीर में ही थे और इन्होंने बहुत से लोगों को रास्ता बताया और रास्ते पर चलाया और मंदिर तक पहुंचा भी दिया, है ना। कहते हैं सभी को, कहते कि आप पकड़ो बाँह, हमारा हाथ पकड़ो और हमको हाथ पकड़ो। आप तो हाथ पकड़ लेते हो लेकिन छोड़ देते हो, क्यों? क्योंकि माया का बाजार लगा हुआ है। ये मोह माया कहाँ पर है, इसी मत लोक में है। ये लुभाने वाली मन को चीज़ें लगी हुई हैं, ये खिलौने, ये मिठाई, ये कार बंगला, ये चीज़ें जो दूसरे का देखते हो, ये इसी बाजार के अंतर्गत आती हैं। जब मन कहता है इनके पास एक है हमारे पास दो हो जाए, इनके पास एक गाड़ी है हमारे पास गाड़ी हो जाती, जो साइकिल से चलता कहता है स्कूटर हो जाए, स्कूटर वाला कहता है कि हमारे पास कार हो जाए, और कार वाला कहता है एक नहीं कई कारें हो जाएं, कीमती कारें हो जाएं। आदमी का मन भरता है इस माया के बाजार में, मन लगा हुआ है, तो इसलिए समझो कि इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते। ऐसे एक बाप अपने बच्चे को बाजार दिखाने के लिए लेकर जाता है और उंगली पकड़ ले लड़का, तो जब खिलौना देखेगा, मिठाई देखेगा, तो अनजान बच्चा क्या करेगा, वो हाथ छोड़ देगा, उंगली छोड़ देता है। और बाजार में मेले में भीड़ रहती है, उसी में समझो कि भटक जाता है, पिता का हाथ छूट जाता है। लेकिन बाप अगर पकड़ लेता है हाथ, तब नहीं छोड़ता है, तब वो खिलौना भी दिखा देता है, पैसे है तो खरीद देता है, नहीं तो बहला फुसला करके आप समझो कि मना लेता है लड़के को, फिर खरीद देंगे, ये अच्छा नहीं है और अच्छा खरीद देंगे, और अच्छी चीज़ें दे देंगे। ऐसे ही जब सतगुरु हाथ पकड़ लेते हैं तब वो छोड़ते नहीं। इच्छा जो होती है प्रेमियों उसको पूरा भी कर देते हैं, लेकिन अगर देखो बाप लड़के के अनुसार सारा खिलौना खरीद दे दुकान का, तो पढ़ने जाएगा उसी में मस्त रहेगा। कभी तो वो चिड़िया उड़ाएगा, तो कभी गोली खेलेगा, तो कभी वो हाथी खरीद के लाएगा, उस पर सवारी करेगा, वो पढ़ेगा। असली असला काम जो है बच्चे का पढ़ लिख करके आगे बढ़ना, पढ़ लिख करके नाम कमाना, देश समाज का परिवार का नाम ऊंचा करना, उससे अलग हो जाएगा। इसलिए सतगुरु हाथ जब पकड़ते हैं तो या तो इच्छा की पूर्ति कर देते हैं, उतनी इच्छा की पूर्ति कर देते हैं जितनी उसकी जरूरत है, और या तो जैसे बाप लड़के को बहलाता फुसलाता है, और अच्छा चीज़ हम तुमको दिला देंगे, ये चीज़ ऐसी अच्छी अच्छी नहीं है, ये अच्छा नहीं है, ये देखो ये चाबी से चलता है, इसको तुम चला नहीं सकते हो, कार को जो दुकान पर देखे हो, तुम्हारे लिए हम दौड़ाने वाली कार ला देंगे, बस तुम पढ़ाई कर लो, बस तुम किसी लायक बन जाओ, बड़े हो जाओ। ऐसे ही सतगुरु ढांढस बनाते रहते हैं, भजन कर लो, छोटी चीज में मत फंसो, बड़ी चीज हम तुमको दिला देंगे। तो हाथ पकड़ने की उनकी जरूरत पकड़ाने की रहती है सतगुरु की, जो धरती पर हम रहते हैं, जिनको जिनसे नामदान प्रेमियों लिया गया है, ऐसे का हाथ पकड़ना होता है। अब आप कहोगे गुरु महाराज तो चले गए, जो पुराने नामदानी हो कहोगे गुरु महाराज तो चले गए, अब हम किसका हाथ पकड़ें? अरे गुरु महाराज तो शरीर से चले गए, अंतर में तो आपके साथ है, बस थोड़ा सा यही बात उनकी मान लो, एक घंटा सुबह शाम आप गृहस्थी में जो फंसे हुए हो उसका शेड्यूल सेट करके टाइम टेबल बना के उस काम को करके एक घंटे का समय सुबह शाम निकाल लो और ध्यान लगाओगे तो गुरु अंतर में मिलेंगे और वो आपकी मदद करेंगे, हर काम में मदद करेंगे। दुनिया बनाने वाला भी आप ये समझो कि दुनिया बनाने में भी मदद कर देगा जब उनकी दया हो जाए। कहते हैं जा पर कृपा गुरु की होई, ता पर कृपा करें सब कोई, सब कृपा करने लगेंगे।
तो दुनिया भी बन जाएगी, दुनिया की जरूरत की चीजें भी मुहैया हो जाएंगी। नहीं जरूरत की चीज है तो समझो उसको इकट्ठा ज्यादा करने में आप नहीं लगोगे, संतोष हो जाएगा, संतुष्टि हो जाएगी। जब आवे संतोष धन सब धर दूर समान, या दूसरे का धन देख करके उसको आप दूसरे का वैभव सम्मान देख करके धूल की तरह से उसको आप मानने लग जाओ। तो कहने का मतलब यह है कि थोड़ा सा गुरु के आदेश का पालन करो, जो नामदानी हो ध्यान भजन करो। तो गुरु महाराज पूरे संत थे, कोई कितना भी गुरु महाराज की बातों को बता दे, कोई कितना भी गुरु महाराज का अन्य समझो स्थान ले ले और लेने की कोशिश करे, उनके अन्य समझो कि बैठने वाली जगह पर उनके सोने वाली जगह पर सोने लग जाए, बैठने लग जाए उनके रहने वाली जगह पर रहने लग जाए, उन्हीं जैसा बन जाए। लेकिन गुरु महाराज के अंदर जो गुण थे और आज भी जो हैं, उनके अंदर नहीं आ सकते हैं। इस धरती के सरताज थे, इस धरती के इतने बड़े महापुरुष थे कि जिस धरती पर अभी तक कोई ऐसा आया ही नहीं। अब देखो जैसा मैंने बताया, ये मृत्युलोक है, इस मृत्युलोक में जो आता है वो जाता है, जब मनुष्य शरीर सबको छोड़ना पड़ता है। बल विक्रम वे और गधीश गए और पारस गए जिम भारत थाना, गए जुर जोधन जंग जुरे जिन 64 कोष में छत्रताना, बल ऐसे बलवान गए जकरे का खरीद स्कंद लुकाना, धरा का प्रमाण यही स्वामी, हरा सो धरा और बरा सो बता जाना पड़ा, क्योंकि काल के देश में थे, काल के इस शरीर में थे, तो उनको भी जाना पड़ा। नियम को नहीं छोड़ते हैं, यह जरूर है कि इतनी ताकत ले आते हैं अपने अंदर कि जब तक उनकी इच्छा रहती है तब तक काम करते रहते हैं। संयम नियम से रहने से यानी उनका शरीर काम करता रहता है, लेकिन जब वो सोच लेते हैं कि अब हमको जाना ही चाहिए, तब वो किसी न किसी को अपना काम सौंप करके चले जाते हैं और वो उस काम को करने लग जाता है जो उनका असला काम होता है। असला काम क्या होता है? असला काम यही होता है कि जहाँ का जीव तहाँ पहुँचावा। अनि ये जीवात्मा जो प्रभु की अंश है, ये जो सतदेश से आई हुई है, सतलोक से आई हुई है, ये सतपुरुष की जो अंश है, इस जीवात्मा को उनके पास तक पहुँचा देना, उनकी गोदी में बिठा देना, उनके जैसा अनि बना देना, साजुज मुक्ति दिला देना, सामिप्य मुक्ति दिला देना, सालोक मुक्ति दिला देना, यह संतों का काम हुआ करता है। तो वो इस काम को करते हैं, तो यह काम किसी न किसी को सौंप करके जाते हैं। यह संतों का इतिहास बता रहा है। देखो पहले के समय में जब प्रकट संत नहीं थे, तब लोगों के अंदर में इतनी कमियां नहीं थी, इतना अत्याचार पापाचार दुराचार नहीं लोग करते थे जो आज दिखाई पड़ रहा है। आज देखो लोगों की बुद्धि खराब हो रही है, क्योंकि खान पान गलत हो गया, मांस ज्यादा लोग खाने लग गए, अंडे का प्रचलन ज्यादा हो गया, मछली लोग खाने लग गए, जीव हत्या लोग करने लग गए, शराब पी करके यानी समझो बुद्धि को खराब कर ले रहे। ये चीजें इतनी नहीं थी, इतनी जब नहीं थी अनियों में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब कलयुग आया तो ये चीजें बढ़ती चली गईं, और जिसकी वजह से देखो अन्य संतों को प्रकट रूप में आना पड़ा। आप देखो कई ऐसे आए, जैसे कबीर साहब, जैसे आपके नानक साहब, जैसे आपके देखो ये सूर्यदास जी महाराज, गरीबदास जी महाराज, विष्णुदयाल जी महाराज, भूरेलाल जी महाराज, जो अपने गुरु महाराज के गुरु महाराज थे और ये अपने गुरु महाराज हमेशा इस धरती पर आते हैं, लेकिन किसी एक को यानी समझो कि अपना अधिकार दे करके जाते हैं, जो उनके आप फिर समझो बताए अनुसार चलता है, आज्ञा के अनुसार चलता है, जो उनके आदेश का पालन करता है, जिसको हर तरह से वो टटोल लेते हैं, ठोक बजा करके जिसको तैयार करते हैं, आप समझो उसको अधिकार देकर जाते हैं। जो अपने को समर्पित कर देता है कि न तो मेरा तन, न मेरा धन, न मेरा मन, जो कुछ है सब आपका है, जो कुछ है सब आपका है, तो जब वो देख लेते हैं कि इसने सब कुछ हमको दे दिया, ये तो गुलाम बन गया,
गुरु का गुलाम बन गया है, इसकी कोई ख्वाहिश नहीं रह गई। जैसे गुलाम की कोई ख्वाहिश नहीं रह जाती है कि मेरा मालिक मुझे क्या खिलाएगा, जो खिलाएगा खा लेंगे, जो अनिसमझो जहाँ जगह दे देगा वहाँ सो जाएंगे, जो काम दे देगा वो हम कर लेंगे। गुलाम की जब इच्छा इस तरह की हो जाती है, गुलामी में वो पास होता है। इसी तरह से जो उनके भक्त होते हैं, जब उनकी ऐसी इच्छा हो जाती तब उसको वो ट्रेंड कर देते हैं, उसको वो सब सिखा बजा देते हैं। तो गुरु महाराज की ऐसी दया हुई, मुझ नचीज को गुरु महाराज ने शरण दिया। गुरु महाराज ने प्यार भी दिया, कितना प्यार दिया, इतना प्यार दिया कि जितना कोई बाप अपने बेटे को नहीं देता है, माँ अपने बेटे को प्यार नहीं देती है। हाँ, फिर समझो इतना प्यार दिया, डांटा फटकारा भी, लेकिन टूटने नहीं दिया। कहा ना गुरु को हार शिशु कुंभ है। गुरु की विशेषता क्या होती है? गुरु कुमार शिशु कुंभ है, गड़ गड़ काढ़ है खोट, अंतर हार सराह कर बाहर मारे चोट। कुम्हार घड़ा बनाता है तो अंदर हाथ लगाए रहता है और ऊपर से ठोकता रहता है और घड़ा बढ़िया सुंदर सुडोल बना देता है। इतना तेज वो ठोकता है कि जिससे घड़ा टूटे नहीं, और टूटने का जहाँ डर रहता है हाथ अंदर लगाए रहता है। ऐसे ही गुरु हाथ लगाए रहे, और गुरु महाराज ने जाने से पहले ही कह दिया कि अब तुम इनको नामदान देना रहेगा, ये मेरा काम करेंगे। बहुत सारी बातें बता करके गए। तो आदेश का पालन ही गुरु भक्ति होती है, आदेश का पालन ही गुरु भक्ति होती है। गुरु भक्ति पहले करे पीछे और उपाय। इसलिए जो गुरु भक्त हैं उनको आदेश का पालन करना चाहिए, मनमुखता नहीं लानी चाहिए, गुरुमुखता लानी चाहिए। तो गुरु का आदेश का पालन ही गुरु भक्ति है, और गुरु भक्ति जब आ जाती है तब यह सब बंधन जगत के छूटते हैं। उज्जैन जो आपका आश्रम है, जिसको मजबूरी में बनाना पड़ा था, तो वहीं पर भंडारा का कार्यक्रम प्रतिवर्ष होता है। हिंदी तिथि के अनुसार वहाँ पर अपने लोग गुरु महाराज का भंडारा करते हैं, तो वो 2, 3 और 4 जून को पड़ रहा है। तो उसकी आप लोग करो तैयारी। आप लोग जो आते हो वो तो आते ही हो, लेकिन जो लोग नहीं आते हैं या जो नए लोग हैं, इनको भी आप प्रेमियों सम्मान के साथ इज्जत के साथ लाओ और अपने साथ रखो। उनको भी सत्संग सुनवाओ, उनको भी आप अपने ही हाथों से प्रसाद लेकर खाने के लिए प्रेरणा दो। वो लोग भी अपने बच्चों के लिए अपने हाथ से प्रसाद लेकर के हमें बच्चों को खिलाऊं। आपको मालूम है पुराने लोगों को कि भंडारे का प्रसाद फलदायी होता है, हर तरह से फायदा करता है, इसलिए कार्यक्रम भंडारे का तो छोड़ना ही नहीं चाहिए। संकल्प बनाओगे, गुरु महाराज को याद करोगे, गुरु महाराज आपको खींच लेंगे, बुला लेंगे। तैयारी करो, मन बनाओ, संकल्प बनाओ आपको, तो भंडारे की करो तैयारी। जय गुरुदेव। सरकारी व गैर सरकारी अनुदान के लिए बिना सत्संगियों के सहयोग द्वारा जनहित के कार्यों में लगी हुई बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था का मुख्यालय पिंगलेश्वर रेलवे स्टेशन के सामने मक्सी रोड उज्जैन मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर सत्संग व नामदान का कार्यक्रम होता रहता है। अतः आप श्रोताओं से अनुरोध है कि बाबा उमाकांत जी महाराज के आश्रम उज्जैन एक बार परिवार सहित जरूर पधारिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600070। जय गुरुदेव।